उनके समय में स्कूटर से कूड़ा ढुलाई हुआ करती थी, मुंगेर जानता है, और उसमें कुछ लोग जेल भी गए थे। महीना जब लगा तो मेरे पास भी वो थैला, बड़ा सा थैला आया था, तो हम लोगों ने उस थैले को वापस करने का काम किया। सफाई कर्मी के नेता, उनका भी थैला बंद हो गया, तो बंद जो हो गया तो वहाँ से हड़ताल की राजनीति रिजल्ट बाकी है, जनता ने तय कर लिया है, सिर्फ 30 तारीख का इंतजार कीजिए। जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र और आप देख रहे हैं पब्लिक्स। लगातार जो है नेताओं का क्षेत्र का दौरा चल रहा है, और जैसा आप जान रहे हैं कि मुंगेर 28 तारीख को अपना मेयर चुनने जा रही है, और ऐसे में हमारे बीच मुंगेर के भावी मेयर प्रत्याशी हमारे बीच जो है मौजूद है। सुबोध वर्मा आज जो है परिचय के मोहताज नहीं है, हर कोई जानते हैं सुबोध वर्मा को। सुबोध जी, आपका पब्लिक में मैं मिथिलेश यादवेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका भी स्वागत, चैनल के तमाम जो परिवार के सदस्य हैं सभी लोगों का स्वागत, और यहाँ जो आवाम खड़ी हैं तमाम लोगों का स्वागत। जी सर, आपसे एक सवाल है कि मैडम आपकी जो है रह चुकी हैं मेयर मुंगेर का, और इस बार आप खुद जो है चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं, क्या रीज़न है सर? देखिए, रीज़न जो है नगर निगम में, क्योंकि वहाँ के जो कर्मचारी हैं तो वो मुंगेर नगर निगम के वोटर भी हैं, और नगर निगम चुनाव में वो परोक्ष रूप से अपनी भागीदारी देते हैं, तो वो जब उनके अनुकूल मेयर का चयन नहीं होता है तो जो मेयर वहाँ चयनित होते हैं जनता की ताकत की बदौलत, उनको वो लोग डिस्टर्ब करते हैं। 5 वर्षों तक उनको काम करने से वो अथक प्रयास करते हैं कि उनको रुकावट पैदा की जाए, जो कि हमारी जो धर्म पत्नी रही उनके कार्यकाल में भी ये आपको देखने को मिला होगा। ये जो बार बार हड़ताल होती थी वो हड़ताल जो है प्रायोजित हुआ करती थी, हड़ताल की राजनीति की गई थी। आप अगर मुझे वक्त दें तो मैं हड़ताल की राजनीति के पीछे जो छुपे हुए तथ्य हैं उनकी भी मैं चर्चा करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है मैडम को डी स्टेबलाइज करने का काम किया गया, बदनाम करने का काम किया गया, उनको जो है काम नहीं करने दिया, जान जान कर हड़ताल किया गया, और कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ रही थी, तो आप जो है चुनाव मैदान में उतर पड़े हैं। एकदम, मैं चुनावी मैदान में आया हूँ उन जो वैसी जो ताकतें हैं उनको जवाब देने के लिए, जनता की ताकत के साथ, इनके सहयोग के साथ उनका जो है पुरजोर जवाब इस दफा दिया जाएगा। महिलाओं की कुछ सीमाएं होती हैं, तो इस कारण से पिछले कार्यकाल में हम लोग जो है नहीं दे पाए, लेकिन जनता ने अगर इस दफा मुझे मौका दिया तो वैसे ताकतों का जो है जवाब जो है हमें देने के लिए। मुंगेर की जनता सुनना चाहेगी कि क्या दिक्कतें हुई मैडम के साथ, कौन वो लोग थे जो डी स्टेबलाइज करने का काम किया, आपने जो इजाज़त मांगा, आपको इजाज़त है, जनता सुनना चाहती है। देखिए, मैं ढेर सारी चीज़ें हैं, बट मैं एक चीज़ आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो हड़ताल की राजनीति थी उसके पीछे जो छुपे हुए तथ्य थे, तो जब हम लोग, मेरी पत्नी वहाँ सत्तासीन हुई, तो प्रथम महीने में ही वहाँ दो तरह के सफाई कर्मी काम किया करते थे, एक एनजीओ कर्मी जो मानव बल सप्लाई देते थे एनजीओ, उसमें तकरीबन 350 सफाई कर्मी हमारे जो है काम करते थे, दूसरे कर्मी थे सरकारी सफाई कर्मी। तो जो एनजीओ के सफाई कर्मी थे, नगर निगम जितना पेमेंट एनजीओ को सफाई कर्मी के लिए किया करती थी उससे पर मजदूर 37 रुपया सफाई कर्मी को कम दिया जाता था उस एनजीओ के थ्रू, और उसमें नगर निगम के 6-7 लोगों का जो है गठजोड़ हुआ करता था, उसमें जो सफाई कर्मी के तथा कथित नेता थे उनका भी उस गठजोड़ में जो है संलिप्तता थी। तो 37 रुपया इंटू 350 इंटू 30 डेज, तो तकरीबन जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3.5 लाख रुपये की अवैध उगाही जो है हुआ करती थी, और वो 6-7 थैले में जो है लोगों के बीच वितरित होती थी, उसमें एक मेयर का भी बड़ा सा थैला हुआ करता था। मैं आपको बताऊं कि मेरी मैडम जो 32 नंबर वार्ड से चयनित हुई थी उसमें महादलित
सफाई कर्मी भी वहाँ तकरीबन जो है 500-600 वहाँ रहते हैं, तो उन लोगों ने अपने दर्द को बयां किया कि हम लोगों के साथ इस तरह की नाइंसाफी हो रही है। तो महीना जब लगा तो मेरे पास भी वो थैला, बड़ा सा थैला आया था, तो हम लोगों ने उस थैले को वापस करने का काम किया और बोला कि ये मजदूर का पैसा है, मजदूरों को 100% मिलना चाहिए। और हम लोगों ने अकाउंट में उसकी व्यवस्था करवाई कि ये पैसा उनको अकाउंट के थ्रू मासिक वेतन मिले, ताकि हम लोग रहें या फिर ना रहें, इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं है। तो हम लोगों ने वो व्यवस्था की और मजदूरों को 100% पैसा जो है मासिक वेतन उनको मिलना शुरू हो गया। तो हुआ ये कि जब हम लोगों ने अपने थैले को वापस किया, जो कि हमारे पूर्व के जो सत्तासीन लोग थे, जनता की ताकत से वहाँ आए थे सत्ता में, वो तो उस थैले को ले रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने उस थैले को वापस किया तो और जितने लोगों में वो थैला वितरित होता था, इंक्लूडिंग सफाई कर्मी के नेता, उनका भी थैला बंद हो गया। तो बंद जो हो गया तो वहाँ से हड़ताल की राजनीति का जो है पदार्पण जो है शुरुआत हुई। और पूर्व के जो सत्तासीन थे उनके और 6-7 लोग जो जिनके बीच ये वितरित होती थी, उन लोगों के बीच में ये अवैध गठजोड़ हुआ और फिर वहाँ से हड़ताल की राजनीति शुरू हुई। तो ये एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से डिस्टर्ब किया गया। मुंगेर जानता है कितनी दफ़ा हम लोगों के कार्यकाल में हड़ताल हुआ और लोगों को रूबरू होना पड़ा हड़ताल से, छपाई व्यवस्था जो है बहुत ही गिर जाती थी, लेकिन उसके बावजूद मैं बताऊं कि ढेर सारी उपलब्धियां भी सफाई में हम लोगों की रही है। तो जो आप पे दाग लगाया गया उसको आप इस बार धोने का कोशिश करेंगे बहुत मजबूती के साथ। जनता की ताकत मेरे पीछे रहेगी, मेरे पास सारा विजन है कि उन तत्वों से कैसे मुकाबला करना है, और आप देखेंगे भविष्य में कि उन तत्वों को जो है पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। अगर मुंगेर की जनता आपको दोबारा चांस देती है, सुबोध वर्मा पे विश्वास जताती है, तो इस बार जो मुंगेर में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, मैं थोड़ा इसको विस्तृत रूप में बताऊंगा। नगर निगम की जो बुनियादी कार्य है, जो चीज़ें हैं नगर निगम को करनी है, उसमें सफाई व्यवस्था आती है, पेयजल की उपलब्धता आती है, बिजली की उपलब्धता आती है, ये सारे बुनियादी कार्य हैं जो नगर निगम के हैं। तो इन चीज़ों को आप देख रहे होंगे, अभी पूरे नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वाटर कनेक्शन का चल रहा है काम, जो कि अभी अधूरा है, लेकिन उम्मीद 5-6 महीने में मुंगेर को 24 घंटा जलापूर्ति होना है और समरसेबुल एक इतिहास बन जाएगा मुंगेर नगर निगम क्षेत्र से। और लोगों को जिस तरह से निर्बाध रूप से 24 घंटा घर में अभी मुंगेर में बिजली मिल रही है, मुंगेर नगर निगम क्षेत्र को 24 घंटा जलापूर्ति, वो भी गंगा का फिल्टर्ड पानी मिलने जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, उसको हम लोग जमीन पे उतारेंगे और पूरी निगरानी व्यवस्था रहेगी ताकि 24 घंटा लोगों को जलापूर्ति मिल सके। सफाई व्यवस्था में भी हमारे पास विजन्स हैं, सफाई व्यवस्था में भी आप देखेंगे, मेरी मैडम जो रही हैं उन्होंने भी परिवर्तन किया था, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करवाने का काम किया था, लेकिन डिस्टर्ब किया गया, साजिश की गई थी। तो सफाई व्यवस्था को हम लोग सुदृढ़ करेंगे। मैं आपको बताऊं, मेरे मैडम के समय में उपलब्धियों भरा भी बहुत सारा चीज़ रहा है। भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण में 2-2 दफ़ा हम लोगों ने जो है गंगा के पास बसा हुआ टाउन का जो स्वच्छता सर्वेक्षण था, उसमें भारत में 3रा स्थान और बिहार में 1ला स्थान, 2 दफ़ा। फिर बिहार सरकार के द्वारा आदर्श निकाय प्रोत्साहन प्रतियोगिता होती थी, बिहार में 1ला लाने का काम किया। उसी तरह से स्वच्छता सर्वेक्षण एक जनरल होता है पूरे शहर का, गंगा शहर का अलग और स्वच्छता सर्वेक्षण एक आम शहर का अलग, उसमें भी बिहार में 1 दफ़ा 1ला और 1 दफ़ा 3rd हम लोग आने का काम किए थे। साजिश रचने के जो रचने वाले लोग थे, उनके साजिश रचने के बावजूद हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की है। जो विगत सत्तासीन जो लोग थे उनके समय में आप झांकेंगे तो इस तरह की बातें नहीं थी।
और बिहार सरकार द्वारा जो आदर्श निकाय प्रोत्साहन प्रतियोगिता थी उसमें बिहार में हम लोग प्रथम भी आए थे और 5 करोड़ की राशि 2018 में हम लोगों को प्राप्त हुआ था। अभी जो पूर्व के सत्तासीन थे वो उसको बोल रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में हुआ, जबकि मुंगेर को वो जो मिला है उपलब्धि वो 2018 में मिला। तो 2018 में जब वो थे ही नहीं तो फिर उनके कार्यकाल में कैसे हुआ भाई, इतने झूठे लोग भी होते हैं। तमाम ये आपकी उपलब्धि है। एक सवाल मैं सबसे कॉमन करता हूँ, 29 प्रत्याशी में मुंगेर की जनता सुबोध वर्मा को ही क्यों चुने? सुबोध वर्मा को क्यों चुने, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सुबोध वर्मा उनकी पत्नी का जो कार्यकाल नगर निगम में विगत 5 वर्ष का रहा, सुबोध वर्मा का सेवा विगत वर्षों बरस का रहा है और उसकी जो सेवा का रूप रंग स्वरूप है वो अलग अलग है। ढेर सारी सेवाएं मैंने अपने साधन संसाधन से किया है। तो जब मैं अपने साधन संसाधन से लोगों की सेवा कर सकता हूं तो आप इन बातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब जनता की ताकत से मुझे संवैधानिक कलम मिलेगी और उस कलम से जनता को सेवा देने की बात होगी तो मैं वो कितना कर पाऊंगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुंगेर की जनता हमको प्राथमिकता देगी और दे भी रही है। मैं जिधर भी जा रहा हूँ लोगों का हुजूम, लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। तो रिजल्ट बाकी है, जनता ने तय कर लिया है, सिर्फ 30 तारीख का इंतजार कीजिए और जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। ये मुझे जनता के प्यार से लग रहा है। कुछ अगर आप मुंगेर की जनता से अपील करना चाहते हैं तो पब्लिक चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि ढेर सारे लोग जो है, जो प्रत्याशी अभी 29 प्रत्याशियों की भीड़ है, आप सभी प्रत्याशी को देखें, उनके पीछे के रिकॉर्ड को भी देखें। पूर्व के जो 87 लोग थे उनके समय में स्कूटर से कूड़ा ढुलाई हुआ करती थी, मुंगेर जानता है, और उसमें कुछ लोग जेल भी गए थे। तो ढेर सारे लोग मशक्कत कर रहे हैं, उन लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुंगेर की जनता से अपील करूंगा, आप खुद बुद्धिजीवी हैं, स्वविवेक का इस्तेमाल करें, और आप तो मुझे जानते ही हैं, जो लोग जानते हैं सुबोध वर्मा को, जो नहीं जानते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि 10 लोगों से आप पूछें कि सुबोध वर्मा अच्छा है या ख़राब है, अगर 10 में 8 आदमी 7 आदमी बोले कि सुबोध वर्मा सही है तब आप मुझे ज़रूर जो है मौका दें अपना वोट दें। तो ये थे सुबोध वर्मा। आप देख सुबोध वर्मा जी, तमाम आप भीड़ देख रहे हैं कैसे जो है सुबोध वर्मा की समर्थक में जो है, सुबोध वर्मा के समर्थक है यहाँ पे और इनके समर्थन में नारे भी लग रहे हैं। तो तमाम इस भीड़ को देखकर अब मुंगेर की जनता जो है फैसला करेगी, क्योंकि शहर आपका है, मत आपका है, चुनना आपको है। एक ऐसे मेयर प्रत्याशी को चुनिए आप जो मुंगेर की तकदीर और तस्वीर बदल दे। फिलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।